जर्जर अवस्था में खड़ा यह प्राथमिक विद्यालय मगोर्रा क्षेत्र के गांव बोरपा का है। यहां नन्ही सी जान बड़े ही डर के साथ शिक्षा ग्रहण करती हैं। यह टूटी हुई बिल्डिंग प्राथमिक विद्यालय बोरपा की है। टीचरों द्वारा और ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा इस प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग के बारे में कईयों बार प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया, लेकिन प्रशासन मौन बना हुआ है। क्या प्रशासन इस विद्यालय की तरफ से किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? यह बिल्डिंग इस कदर टूटी हुई है कि पता नहीं कब नीचे गिर जाए। अगर यह बिल्डिंग नीचे गिरी तो इन नन्ही सी जान का क्या होगा, जो बेचारे अपने घर से शिक्षा ग्रहण करने इस विद्यालय में आते हैं। जब मीडिया ने विद्यालय के अध्यापकों से बात की तो उन्होंने इस बिल्डिंग और विद्यालय के बारे में जानकारी दी। इस विद्यालय में गांव के आए कुछ लोगों ने भी इस विद्यालय के बारे में अवगत कराया और साथ ही इस बिल्डिंग के साथ साथ अपने बच्चों के लिए इस गांव में इंटर तक विद्यालय कराने की सरकार से मांग रखी। उन्होंने बताया कि हमारे गांव की लड़कियां 8वीं के बाद शिक्षा के लिए बाहर जाती हैं, जो कि हमारे गांव से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अगर इस गांव में इंटर तक विद्यालय बना दिया जाए तो हमारे गांव की लड़कियों और लड़कों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद चौधरी है। क्या आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। आपके गांव में ये विद्यालय की स्थिति इस कदर बनी हुई है, क्या कहोगे इसके बारे में? इसके बारे में ये है, देखिए ये जो बिल्डिंग सामने बनी हुई है तो इसमें काफी मरम्मत भी कराई है नीचे से, लेकिन इसका लेंटर बिल्कुल गिरासी खड़ा हुआ है। 5-6 साल के करीब इसको हुए और ये इसमें गिरने लग गई, तो बच्चों को इसमें बिठाते नहीं है, किवार वगैरह कुछ नहीं दी और ये बंद कर रखे हैं। इसलिए नीचे से इनकी मरम्मत प्रधानी ने कराई है और पूरे स्कूल में पूरा काम, फर्श का, पेड़ पौधे लगाने का, पार्क का, और ये चबूतरा है 15 अगस्त मनाने के लिए, स्टेज है और तमाम काम जो है, टंकी पानी। चलो, प्रधान जी ने काम करा है, बहुत अच्छा हुआ। प्रधान जी आप क्या बोलते हैं, अच्छे सहयोग करते हैं बहुत। अभी टीचरों ने बताया प्रधान जी का सहयोग, लेकिन क्या इस बिल्डिंग के लिए टीचरों के द्वारा या गांव के द्वारा कभी अधिकारियों को अवगत नहीं कराया गया? यहाँ की बिल्डिंग आपके गांव के बच्चे इतनी उस जगह में पढ़ते हैं कि पता नहीं कब बिल्डिंग ये गिर जाए, कब क्या कोई हादसा हो जाए। देखिए, अवगत तो कराते ही रहते हैं, समय समय पे अधिकारियों के पास जब जाते हैं तब भी चर्चा होती है स्कूल की, और हमारे टीचरों ने भी दे रखी है इसके बारे में। और हम ये चाहते हैं कि हमारा स्कूल कम से कम इंटर अगर हो जाए तो हमारी बच्चियों की व्यवस्था अच्छी हो जाए, दूर 5-7 किलोमीटर जाना पड़ता है। कौन सी क्लास तक आपके गांव में स्कूल है? अब ये 8 तक है स्कूल। 8 के ऊपर कोई स्कूल नहीं है? 8 से ऊपर नहीं। उसके लिए आपके गांव के बच्चियाँ हैं वो कहाँ जाती हैं पढ़ने? वो पढ़ने बहुत दूर दूर जाते हैं, जैसे अड़िंग है, सौंक है, और कहीं किसी रोड पे, कहीं आगे 8-7 किलोमीटर पे। क्या चाहते हैं आप सरकार से? प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, वहाँ बड़ा खतरा है। देखो, बेटी पढ़ावें, बेटी बचावें, लेकिन बेटी रखावे की सबसे बड़ी समस्या है। क्या चाहते हैं? 8 किलोमीटर अगर बच्ची जाएगी अकेली सुबह शाम आने में तो हर तरह का डर रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल यहाँ अगर इंटर कॉलेज हो जाए तो हमारे बच्ची हमारे यहाँ पे पढ़ लें तो हमारी ये सुविधा हो जाए। बड़ी परेशानी है ये, हमारा काम बहुत ज़रूरी है और बड़ा गांव है हमारा, छोटा भी नहीं है, बहुत बच्चे पढ़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीन शर्मा है जी। आपके विद्यालय में भी बिल्डिंग इतनी जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है, क्या कहोगे इसके बारे में? क्या कहीं कोई सुनवाई नहीं होती आपकी? हमारे विद्यालय में इस समय 5 कक्षा कक्ष हैं, जिसमें से 3 की स्थिति बहुत अच्छी है, जिनमें हमारे गांव के प्रधान जी द्वारा काम भी कराया गया है, टाइल लगवाई गई है और जो जगह टूटी हुई थी उनकी मरम्मत कराई गई है। परंतु 2 कमरे जो अतिरिक्त कक्ष भूकंप रोधी बने हुए थे, उन कमरों का निर्माण कार्य अच्छा नहीं होने के कारण वो कमरे जो है वो गिरासू अवस्था में है, जिसके कारण हम उनमें अपने बच्चों को नहीं बैठाते हैं। तो वो गिरानी व्यवस्था में है, इसके लिए आपने शासन प्रशासन से कोई अवगत कराया है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ प्रपत्र आता है एक, जिसमें हमें सूचना भर के भेजनी होती है कि आपके यहाँ विद्यालय के कक्षों की स्थिति कैसी है, तो हम उसमें लिख के भेजते हैं कि हमारे यहाँ 2 कमरे जो है उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और वो जर्जर अवस्था के अंदर है। तो क्या लिखित में सूचना जा चुकी है? संज्ञान में नहीं लिया? अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है, ना ही कोई ऐसा कोई हमको ऐसा आदेश है जिसके तहत हम इसको गिरा के इसकी जगह पर सेव कर सके बिल्डिंग को। दोनों कमरे जो है वो इस अवस्था के अंदर, यदि बच्चों को वहाँ बैठाया जाएगा तो कमरे गिर भी सकते हैं और बच्चों को हानि पहुँच सकती है, इसलिए हमने दोनों कमरे बंद करवा दिए।